हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लाऊँ टॉप 5 एंड्रॉयड ऐप्स जो कि बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल हैं, आपके फ़ोन का जो लुक एंड फील है वो कम्प्लीटली चेंज कर देगी। तो बिना टाइम वेस्ट करें, लेट्स गेट स्टार्ट। तो पहली ऐप है एच मास। अगर आपकी रेक्टेंगल है जिस वाली स्क्रीन है और अगर आपको राउंडेड कॉर्नर चाहिए तो ये ऐप आप यूज़ कर सकते हो, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। एंड जितने भी आजकल नए फ़ोन्स आते हैं उसमें आपको यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर्स वाली स्क्रीन देखने को ही मिलती है, जो कि एक एस्थेटिक एंड फ्रेश लुक देता है आपके स्क्रीन के डिस्प्ले को। तो ये ऐप आप यूज़ कर सकते हो। इसको आपको कुछ परमिशंस देनी होंगी स्टार्टिंग में, तो वो आप जैसे ही दे दोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा राउंडेड कॉर्नर्स, ये आपको इनेबल करना है। एंड जो राउंडनेस है आपके स्क्रीन की एजेस की, वो आप एडजस्ट कर सकते हो सेटिंग्स में आके। तो करंटली मैंने सेट कर रखा है 15, और अगर आपको कम या ज़्यादा चाहिए तो उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। देन आपको ऑप्शन मिलता है इसमें मैसेज, ये है रिलेटेड आपके नोटिफिकेशन से। तो अगर आपको इसके ऐसी नोटिफिकेशन चाहिए कि कोई भी आपका मैसेज आए या कोई भी ऐप रिलेटेड नोटिफिकेशन आए तो इस टाइप पे आएगा, तो ये आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं, सैमसंग स्टाइल है, देन आपको यहाँ पे एप्पल मैसेज स्टाइल भी मिलता है। तो ये मैं इसलिए यूज़ नहीं करता क्योंकि ये कभी कभी इंटरफेयर करती है आपकी सिस्टम नोटिफिकेशन के साथ। तो कभी कभी आपको देखने को मिलेंगे मल्टीपल नोटिफिकेशन, तो इस ऐप के थ्रू भी आपको नोटिफिकेशन आ रही होगी एंड आपकी सिस्टम नोटिफिकेशन है वो भी आ रही होंगी, तो इसलिए मैं इसको इनेबल नहीं कर रखा। बट अगर आपको ये इंटरफेयर नहीं करती आपकी नॉर्मल नोटिफिकेशन के साथ तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। देन आपको ऑप्शन मिलता है एज लाइटनिंग, ये कूल फीचर है। जैसे आप इसे इनेबल करोगे तो कोई भी नोटिफिकेशन अगर आएगी तो आपकी स्क्रीन की एजेस पे एक लाइटनिंग चलेगी एंड कलर भी ये पिक करती है। तो अगर आपकी व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन है तो ग्रीन कलर की लाइटनिंग चलेगी, इंस्टाग्राम की आ रही है तो पर्पल कलर की चलेगी। तो ये कूल फीचर है, आप ट्राई कर सकते हो। थोड़ी बहुत बैटरी आपकी कंज्यूम करेगा बट डेफिनेटली इट्स अ कूल फीचर टू ट्राई, सो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। सो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये राउंडेड एजेस वाली स्क्रीन मिल रही है। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस ऐप। तो एच मास आप डाउनलोड कर सकते हो, सारी ऐप्स का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अब नेक्स्ट ऐप का नाम है जेज। अब ये आपने बचपन में यूज़ करी होगी, ये साइट हम एक्सेस करते थे, इसमें आपको वॉलपेपर्स, रिंगटोन्स, नोटिफिकेशन टोन। एंड ये ऐप अब काफ़ी टाइम से है प्ले स्टोर में। तो ये ऐप में आपको सारे वॉलपेपर्स, डिफरेंट कैटेगरीज के वॉलपेपर्स, एंड दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट ऐप्स टू सर्च फॉर वॉलपेपर्स। तो वॉलपेपर्स आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, रिंगटोन्स, नोटिफिकेशन टोन्स सबसे लेटेस्ट जो हैं सब आपको इस ऐप में आराम से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे वॉलपेपर्स, रिंगटोन्स हैं ये। अगर आपको वॉलपेपर्स चाहिए तो वॉलपेपर से आप जा सकते हो, तो यहाँ पे डिफरेंट वॉलपेपर्स मिल जाएंगे आपको। कैटेगरीज हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड इसमें कुछ एड्स आते हैं तो थोड़े बहुत एड्स आपको परेशान कर सकते हैं कभी कभी, बट इट इज़ वर्थ इट। एंड अगर आप प्रीमियम वर्जन ले सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको प्रीमियम वर्जन में और भी ऑप्शन मिलते हैं डाउनलोड करने के लिए, जैसे कि ये जितने भी लाइव वॉलपेपर्स हैं यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन है। लेकिन स्टिल आपको फ्री वर्जन में भी बहुत सारे वॉलपेपर्स, बहुत सारी रिंगटोन्स ईजिली मिल जाएंगी। तो ये ऐप ट्राई कर सकते हो आप, इसमें बहुत सारी नई नई रिंगटोन्स हैं, बहुत सारी कूल वॉलपेपर्स आपको मिल जाएंगे। सो डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। अब नेक्स्ट ऐप है वॉलपेपर ऐप, जो कि आपका बिल्कुल भी डेटा कंज्यूम नहीं करेगी। तो ये वन टाइम डाउनलोड है, आप एक बार इसे डाउनलोड कर लो तो आपको ये हर बार एक नया वॉलपेपर जनरेट करके देगी विदाउट एनी इंटरनेट और योर मोबाइल डेटा। तो बस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है पैटर्न्स, तो यहाँ आपको डिफरेंट पैटर्न ऑप्शन देता है कि किस पैटर्न में आपको वॉलपेपर चाहिए। तो अगर आप कोई भी पैटर्न सेलेक्ट करते हो, तो जैसे मैंने ये सेलेक्ट करा, एंड देन आपको ऑप्शन मिलता है कलर्स, तो वो पैटर्न आपको किस कलर में चाहिए वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो एक ग्रीन वॉलपेपर आया। तो पैटर्न्स एंड कलर्स दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं सेलेक्ट करने के लिए, एंड आपको हर बार एक नया वॉलपेपर जनरेट करके देगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली सेव कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी ये गैलरी में सेव कर देगा। और अगर आप सेट करना चाहते हो यहाँ से डायरेक्टली, तो वो भी आप कर सकते हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग ऐप है, बहुत इंटरेस्टिंग वॉलपेपर ऐप है। आप हर बार एक नया वॉलपेपर जनरेट कर सकते हो विदाउट एनी डेटा और इंटरनेट, सो इट्स अ कूल ऐप टू ट्राई। सो नेक्स्ट ऐप है उनके लिए जिनके पास नेविगेशन बार है, तो ये है एक नैबार कस्टमाइजेशन ऐप, इसका नाम है नैबार ऐप्स। इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं, तो ये है फर्स्ट ऑप्शन जिसमें आपको कलर चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है एक्टिव ऐप का, इसका मतलब है कि कोई भी ऐप जो भी आप यूज़ कर रहे हो करंटली,
जैसे कि रेड टोन में ये ऐप, तो आपका जो नेबर कलर है वो उस कलर में चेंज हो जाएगा। तो अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करोगे तो ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, एंड सेम गोज ऑन फॉर एवरी ऐप। तो ये है एक्टिव ऐप का ऑप्शन। अगर आप चाहते हो कि एक परमानेंट कलर आप सेट कर दो इसका, तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्टैटिक कलर का ऑप्शन मिलता है, तो सेटिंग्स में आके आप कोई भी कलर पिक कर सकते हो जो भी आपको चाहिए नेबर का, एंड वो सेट हो जाएगा। देन आपको मिलता है नेबर विजिट्स। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स मिलते हैं, जैसे आप देख सकते हो नेबर के पीछे एक US का झंडा आ गया जो कि इसके थ्रू है। ये भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ सेटिंग्स में आके। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न मिलते हैं। ये है मारियो थीम का पैटर्न, ये तरबूज चाहिए अगर आपको, या ये ग्रेडियंट चाहिए पीछे, तो ये सब भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देन आपको ऑप्शंस मिलते हैं बैटरी परसेंटेज का, तो बैटरी परसेंटेज अगर आपको देखनी है अपने नैप बार में, तो वो भी आप सेट कर सकते हो सेटिंग्स में आके। एंड एक कलर पिक कर सकते हैं यहाँ से, तो मैं ग्रीन कलर पिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ग्रीन कलर आ रहा है, ग्रीन कलर की लाइन आ रही है जो कि आपका शो करती है कि परसेंटेज कितनी है। तो इसका साइज़ भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से, एंड टॉप बॉटम मिडल कहाँ पे आपको चाहिए वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। देन आपको मिलता है ऑप्शन इमोजीज, ये भी आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड है कि अगर आपको यहाँ पे इमोजीज चाहिए तो आप वो कर सकते हो। सेटिंग्स में आके वो भी आप चेंज कर सकते हो, कौन सी इमोजीज चाहिए, कितनी चाहिए, सब यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। देन है म्यूज़िक विजिट। म्यूज़िक विजिट है कि आप कोई भी म्यूज़िक प्ले कर रहे हो अपने फ़ोन में, तो आपको यहाँ पे म्यूज़िक बार्स दिखेंगे, तो ये आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो यहाँ से। सो बहुत सारे ऑप्शन हैं कस्टमाइजेशन के लिए। डेफिनेटली आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन या कोई नई चीज़ आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। देन लास्ट ऐप है पैरेलल स्पेस। अब ये ऐप आपने यूज़ कर रखी होगी, एंड आजकल ये कम हो गया इसका यूसेज, क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट OS है, एंड्रॉयड OS, जैसे MIUI हो गया, तो उसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऐप क्लोनिंग ऑप्शन मिलता है कि अगर आप WhatsApp यूज़ करना चाहते हो दो नंबर से, तो WhatsApp के आप दो ऐप क्लोन कर सकते हो एंड डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट चला सकते हो। तो उसी तरीके से ये भी काम करती है। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आप ऐड ऐप में जा सकते हो, एंड जो भी ऐप आपको क्लोन करनी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो कोई भी ऐप अगर आपको क्लोन करनी है एंड आप चाहते हो कि उसके मल्टीपल अकाउंट आप चला पाओ, तो यहाँ से आप वो कर सकते हो इजीली। तो आप देख सकते हो YouTube स्टूडियो का यहाँ पे क्लोन हो गया ऐप, एंड ये सिमिलरली काम करती हैं जैसे आपकी नॉर्मल ऐप्स काम करती हैं। तो बस आपको पहले स्पेस में आना है, ऐप क्लोन करनी है, एंड यहाँ से आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो मल्टीपल अकाउंट्स किसी भी ऐप के यूज़ करना, सो डेफिनेटली आप ये ऐप ट्राई कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, सो प्लीज़ लीव अ लाइक, एंड इफ़ यू कमिंग टू माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। On and on and on and on and on and on.